सुनने आए हैं इस मसले पे, प्लीज एक एक करके बात कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक साथ हवाबाजी से नहीं चलेगा। मैं तो जवाब दे रही हूँ, ये चुनावी मंच नहीं है, ये डिबेट है, प्लीज क्लियर। बिल्ले आइए, मैं अब कांग्रेस पार्टी के पास जा रही हूँ। संजीव सिंह मेरे साथ हैं। संजीव सिंह जी, संजीव जी हिम्मत है तो ले। के शर्मा आपने गोल गोल आपने भी घुमा दिया, आपने क्लियर बातें नहीं बताई कि क्या मथुरा के सहारे आप चुनावी वितरणी पार करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त जा रही हूँ संजीव सिंह के, मैं आपको बोल रही हूँ, टू द पॉइंट रहिए, आप टू द पॉइंट नहीं रह रहे सर। आप क्लियर नहीं बोलेंगे मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। संजीव सिंह जी, क्या कमजोर विपक्ष होने का ये नतीजा है कि बीजेपी जब चाहे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर ले, जब चाहे गंगा एक्सप्रेस की बात करे, जेवर एयरपोर्ट की बात करे, और जब अपनी सहूलियत लगे तब वो बात कर ले मथुरा की, तब वो बात कर ले वृंदावन की, तब वो बात कर ले कृष्णलला की। क्या ये कमजोर आप लोग विपक्ष है, इसलिए बीजेपी बार बार अपने पिच पर आप लोगों को लेकर आ रही है? आप अपना सवाल तो बंद करिए, अब सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1991 का जजमेंट है कि केवल राम मंदिर के मसले को छोड़ करके बाकी जहां पर भी हिंदुस्तान में मंदिर इस तरह के विवादित मसले हैं वो यथास्थित रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी फिर से नैरेटिव क्यों लेकर क्या रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? और जिसमें सुनिए सुनिए, पहले पहली बात सुनिए, हिंदुओं को आतंकी बताने वाले आप हमें विकास रोक सकते हैं? आ गए अपना असली चरित्र लेकर के आ गए भारतीय जनता पार्टी के समाज से रोक सकते हैं क्या? और ऐसे तो भी आप अपना असली चरित्र लेकर के आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेला करने वाले इन्हीं के पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। मतलब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी आज क्लियर हम सबके सामने कह रही है। सुन लीजिए, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछ रही, जब सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि वहां पे अगर बीजेपी का एजेंडा हो या जैसे भी हो, कृष्ण में जो आस्था रखते हैं, कृष्णलला में जो आस्था रखते हैं, आप नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो? मैडम सुन लें, मैं कांग्रेस पार्टी से क्लियर पूछ रही हूं, आप नहीं चाहते? अब मैं चाहता हूं सुन लें आप। देखिए, जब देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, न इस देश की कोई सरकार है, न कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, न भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा 1991 का जजमेंट है केवल अयोध्या मसले को छोड़ करके बाकी के सारे के लिए कहा कि वो यथास्थिति पर रहेंगे, ये क्यों अनावश्यक ऐसे मुद्दे को लाते हैं? और कौन से कृष्ण भक्त की भक्ति का आज खत्म हो गई? मतलब आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं यही समझू ना कि आप चाहते नहीं है कि मथुरा में कुछ हो? आप क्या चाहती हैं? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आपका चैनल क्या चाहता है बताइए। मेरी तो आस्था कृष्ण में है, तो मेरी भी आस्था है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि मेरी आस्था नहीं है? नहीं, आपने ये नहीं कहा, लेकिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, पहले आप बताइए, मैं कह रहा हूं आप कोर्ट को मानती हैं कि नहीं? आप एक समझदार एंकर हैं। बिल्कुल मानती हूं, बिल्कुल, मैं तो ही कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे, इस देश में आस्था के लिए भी जगह है ना, आस्था के लिए जगह रहा हूं। अच्छा, के शर्मा जी आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कह रहे हैं, प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? के शर्मा जी, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, ये तो धर्म, देखिए ये तो धर्म विरोधी हैं ही। भगवान राम इनके लिए काल्पनिक थे, हिंदू इनके लिए आतंकवादी हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बात पर पाबंदी लगाई है कि आप जो है काशी की विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता और उसका डेवलपमेंट ना करें? क्या इस बात का भी कोई रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि मथुरा में कृष्ण मंदिर का जो है निर्माण ना हो, क्या उसको भव्यता और दिव्यता ना प्रदान की जाए? ये कहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट? ये झूठ बोलती है कांग्रेस, क्योंकि ये हिंदुओं की विरोधी है, ये धर्म विरोधी कांग्रेस है, ये आतंकी कहने वाली कांग्रेस है, ये भगवान को नहीं मानने वाली, ये जो है ये भगवान संजीव जी प्लीज प्लीज आमिक के मैं देखिए, हम समाजवादी लोगों के पास मेन मुद्दे क्या हमारे, के शर्मा जी को बहुत साफ पता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की जो ब्राह्मण महासभा के एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिल्ली में 3 दिन पहले मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत नाराज हैं। और आपको मालूम है कि हजारों फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के विशेष जाति के चुन चुन के इनकी भाजपा की पुलिस ने किए, और इसको लेकर ब्राह्मणों में बहुत गुस्सा। आपकी जबान क्यों? हमारा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, बात करने पे हमारा मुद्दा है विकास, हमारा मुद्दा है
किसानी किसान किसान कैसे आगे बढ़ेगा, बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उनको लैपटॉप कैसे मिलेगा, टीचर्स को नौकरियां कैसे मिलेंगी। के शर्मा जिस समाज से आते हैं ना, अरे इनके पास हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मणों के हक में कुछ बोल के दिखा दे। हम बोल रहे हैं जिस दिन सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, एक एक ब्राह्मण समाज के लोगों की जो फेक इनकाउंटर हुए हैं, किसी पुलिस वालों की खैरियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आमिक जमई जी, अभी से कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे और मुझे अच्छा भी लग रहा था सुन के कि धर्म के एक्सपर्ट नहीं है, धार्मिक एंगल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनावों की आखिरी सच्चाई है। अभी आप एक कास्ट पे आ गए, पर्टिकुलर कास्ट पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जाति की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक जाति का पुलिस अफसर, एक जाति का थाना, एक जाति का ISIPS, एक जाति का DM। के शर्मा बहुत मजबूर आदमी है, मुझे मालूम है, इनको पता है कि ब्राह्मण महासभा की मीटिंग में ब्राह्मणों ने क्या बोला है। देखो दिल्ली जाके पार्टी छोड़ के भाग गए, हमको मालूम है। नहीं, आप लोग एक दूसरे पे प्रश्न पे बात ना करें, अभी तो हम फिलहाल पर्सनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया, मुझे पर्सनल टैग किया इसलिए बता दे रहा हूँ। अमित जमाई नहीं, आप लोग अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी पार्टी की बातें रखिए। भाजपा ने जो फेक इनकाउंटर कराए, एकता नहीं है के शर्मा, बताओ हमें क्या बात करेगा भाजपा ने जो फेक। अमित जी, आप इसको कास्ट के दायरे में मत बांधिए कि ब्राह्मण के फेक इनकाउंटर। आपको अगर कहना ही है तो क्लियर ये कहिए कि जितने फेक इनकाउंटर हुए उस पे हम जांच बिठाएंगे। आप ये कहिए तो अच्छा लगेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप पर्टिकुलर कास्ट पे जा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूं आपको। के शर्मा बताएं क्या स्टैंड है ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, बताइए, मुझे अवसर दीजिए, मैं जवाब देता हूं। जी बोलिए। देखिए, अभी तक ये धर्म की बात नहीं करना चाहते थे, अब ये जाति की बात पे आ गए। हाँ। ये जातिवाद का जहर बोने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जातिवादी राजनीति पांच साल से गुंडागिरी एक जाति पर किया, एक जाति के आधार पर किया, हर थाने में केवल एक। मैं फिर चाहूंगी कि डिबेट जिस मुद्दे पे है उसी मुद्दे पे हम बात करें। हमें बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे। आमिर जी, जब आपने जाति पे बात कर ही ली, जब आप धर्म पे बात कर ही रहे हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है, बात पर समाजवाद टिकी हुई है शर्मा, बस एक मिनट के लिए आप एक मिनट के लिए चुप होइए, बस एक सवाल पूछना है मुझे। के शर्मा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज। आमिक जमे जी, मुझे आपसे ये जानना है, जब आप जाति पे बोल ही रहे हैं, तो जब हम धार्मिक मसले पे बात करें तो आप क्यों भाग रहे हैं? अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में लालू प्रसाद हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हो, कृष्ण पे एकाधिकार दोनों ने जताया है उस तरीके से, लेकिन जब अब हम मथुरा की बात करें, जब हम कृष्ण लला की बात करें, तो समाजवादी पार्टी पीछे क्यों भाग रही है? वो खुल के क्यों नहीं बोल रही है कि अगर मेरी भी सरकार आए तो मैं मथुरा में उस तरीके से भव्यता से मंदिर बनवाऊंगा? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी? देखिए, आप एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड महिला हो और आप बहुत प्रोग्रेसिव इंसान हो, आपको मालूम है कि ये जो धर्म और मजहब है ना जी।